नमस्कार दोस्तों, RPM ड्राइव की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो इस गाड़ी के अपने जो मैग्नाइट है उसको जो एक्सीडेंट हुआ है उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स जो क्लेम को लेके, देखिए क्लेम का जो प्रोसेस था वो तो काफ़ी स्मूथ था क्योंकि मुझे जो रोशन निशान है उसने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया और मुझे कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे को जो मेरी इंश्योरेंस कंपनी थी उसको मुझे कहीं पे भी मेरे को जो था कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और जो सारा जो कोऑर्डिनेशन था वो निशान जो है रोशन निशान जयपुर में वहीं से हुआ है और उन्होंने ही जो अप्रूवल है वो लिया है जो गाड़ी का क्लेम था। एक्चुअली जो इससे पिछले जो वीडियो मैंने आपको बताया था उसमें जो मैंने बताया था आपको कि गाड़ी का एक्सीडेंट जो हुआ था उसमें बम्पर और थोड़ा फेंडर जो डैमेज हुआ था उसका जो ओवरऑल जो कॉस्ट थी उन्होंने 34,500 के करीब कुछ मेरा सेट जो क्लेम था वो सेटल हुआ था। ठीक है, वो जो टोटल इनवॉइस जो मुझे दी थी रोशन निशान ने वो जो दी थी वो थी अपनी टोटल 34,500 के करीब। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉब्लम ये आई कि चूँकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का वो टोटल जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन मेरे को 11 साल या 12 साल के अप्रोक्स गाड़ी चलाते हो गए। मेरा आज तक कभी भी इंश्योरेंस कंपनी से पल्ला पड़ा नहीं, मेरा कभी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ नहीं, टचवुड था, अगर छोटा मोटा हुआ भी था तो मैंने कभी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम नहीं लिया, तो इससे मुझे इतना एक्सपीरियंस था। और जब मैंने ये गाड़ी नई ली थी तो मैंने सोचा यार अब इतना पैसा देने से, वो लोग जो शोरूम पे थे वो 21-22-23 हज़ार रुपये इस गाड़ी के मांग रहे थे जो कि 1000 cc की गाड़ी में यार वर्थ नहीं बनता, जीरो डेव इंश्योरेंस। ठीक है, और जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मेरा जो सेल्स का जो रिस्पांस था, जो मेरा रिस्पांस था शोरूम से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इरिस्पॉन्सिबल थे, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए थे मुझे जब गाड़ी मैंने खरीदी थी, तो मैंने फिर उनसे डिनाई कर दिया मैं आपसे इंश्योरेंस नहीं लूँगा, मैं अपने हिसाब से करवा लूँगा इंश्योरेंस। तो मैंने पॉलिसी बाजार से इंश्योरेंस जो कराया था वो करवाया था और जो मेरी पिछली जो गाड़ी थी उसमें 50% NCB था, क्योंकि मैंने कभी क्लेम नहीं लिया था, 8-10 साल गाड़ी चलाई थी तो उससे मुझे 50% मेरा जो NCB था वो मैंने रिजर्व कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, जो NCB होता है वो आपका खुद का अर्न किया हुआ होता है, आपकी गाड़ी का वो NCB नहीं होता। अगर आप चाहते हैं आप गाड़ी सेल आउट करना तो वो NCB आप रिजर्व करा सकते हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को बोल के, तो वो एक रिजर्विंग लेटर आपको इशू कर देते हैं और वो रिजर्विंग लेटर जो होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है। जब आप नई गाड़ी परचेज करेंगे तो वो 50% NCB आपके नई गाड़ी पर ट्रांसफर हो जाती है, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। तो इस तरह से मैंने वो डिस्काउंट लिया था पॉलिसी बाजार से। ठीक है, तो मेरी जो पॉलिसी थी वो 9,500 के करीब पड़ी थी जब मैंने गाड़ी खरीदी थी। तो इस बार मेरा एक बार फिर जो क्या हुआ, रिन्यूअल का प्रोसेस आया। अब आप लोग कहेंगे कि यार आपको तो शोरूम से इंश्योरेंस करवाना चाहिए था, क्योंकि देखिए शोरूम से मैंने आपको बताया मेरा एक्सपीरियंस ख़राब था और इसके अलावा जो इतना पैसा देने का कोई वर्थ नहीं था और मेरा कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ था, तो मुझे लगता था यार कोई इतना पैसा बेकार करने से कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस तो इंश्योरेंस होता है, वो एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी तो ऑटोमेटिकली ही उसको रिम्बर्स करेगी या जो भी करेगी, क्लेम तो देना ही पड़ेगा उसको। तो इस वजह से मैंने कभी इतना दिमाग नहीं लगाया, मतलब चलो ठीक है यार जो भी चल रहा है वो चलने दो। अब क्या हुआ कि जब मेरे को लगा कि यार एक साल मैंने जब गाड़ी चलाई तो मुझे लगा कि यार काफ़ी सारे इश्यूज मैं देख रहा हूँ इन गवर्नमेंट कंपनी से और जो बाहर से जो इंश्योरेंस कराते हैं उनके मैंने यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो देखे, तो मुझे ऐसा लगा यार मुझे भी एक अब की बार शोरूम से कराना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि मैंने शोरूम पे मैंने उनसे कोटेशन मंगाया, तो मैंने उनको बोला यार मेरा 50% NCB है, तो उन्होंने कहा सर आपकी पॉलिसी में तो कोई मेंशन ही नहीं है 50% NCB, तो हम आपको पॉलिसी में 50% NCB नहीं दे सकते। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि क्योंकि मैंने ये पॉलिसी ऑनलाइन बनवाई थी तो यार मुझे डाउट है, जब मैंने वहाँ पे 50% NCB वहाँ पे जो पॉलिसी बाजार का पूरा जो फॉर्म आता है पॉलिसी जब आप भरते हैं तो उसमें वो NCB पूछता है, मैंने वहाँ पे 50% डाला था, उसके हिसाब से मेरा प्रीमियम कैलकुलेट हो गया और वो मेरा 9,500 कुछ करीब बना था वो। अब यार मेरे को कुछ डाउट हुआ, फिर मैंने पॉलिसी बाजार में बात की तो बोला सर आपके पॉलिसी में 50% NCB नहीं है, तो मैंने बोला क्यों नहीं है, तो बोला सर इसमें आपको जो NCB लेटर होता है वो देना पड़ता है, अब आपको ये 50% ML यार अब तो मेरी पॉलिसी एक्सपायर होने वाली है और आपने तो अब बताया मुझे 1 साल हो गया है। बोले सर ऐसा मतलब यार जब आपने आपकी पोर्टल पे ही 50% का ऑप्शन दे रखा है तो आपको अगर कोई उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो आपको उसी टाइम पे मांगना चाहिए कस्टमर से, राधा देन कि आप जब कस्टमर पूछ रहे तब बता रहे हैं। बोले ठीक है सर आप मुझे NCB लेटर भेज दीजिए, हम आपका वो पॉलिसी में अमेंडमेंट करा देंगे। तो मैंने उनको वो जो लेटर था NCB का वो मैंने उनको भेज दिया पॉलिसी बाजार वालों को, लेकिन चूंकि वो 10 दिन हो गए 15 दिन हो गए वहाँ कंपनी से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था, चूँकि मेरी पॉलिसी भी एक्सपायर होने वाली थी, फिर मेरी फाइनल जो उनसे डिस्कशन हुआ कि बोला सर हम आपको लिखित में दे सकते हैं मेल पे, आप ये जो आप नई कंपनी से पॉलिसी लेंगे तो ये कंसीडर हो जाएगा, लेकिन जब मैंने वापस निशान शोरूम में बात की तो उन्होंने मना कर दिया सर जब तक पॉलिसी में मेंशन नहीं होगा हम इसको 50% NCB नहीं करेंगे, तो फिर वो नहीं माने। फिर एक्चुअली मुझे क्या वापस से वो पॉलिसी वहीं से रिन्यूअल करानी पड़ी है, मैं चाह रहा था यार मेरा 50% NCB है मैं नहीं चाह रहा था बिना मतलब मैं इसको मैं खो दूँ,
तो मुझे मजबूरन वापस से पॉलिसी बाजार से वो पॉलिसी लेनी पड़ गई, लेकिन जो नई पॉलिसी है उसमें 50% एनसीपी उन्होंने दिया मुझे। तो ये तो रही भाई साहब इन पॉलिसी बाजार की कहानी। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये पॉलिसी बाजार से जो भी पॉलिसी कराते हैं ना आप, तो इसमें पॉलिसी बाजार का कोई लेना देना नहीं होता है डायरेक्ट। जो ये लोग केवल मीडिएटर का काम करते हैं, जो डिसीजन लेना है वो इंश्योरेंस कंपनी लेगी, ये आपके बिहाफ पे उस कंपनी से कोऑर्डिनेट करते हैं, बट आपका सपोर्ट बहुत ही नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है कस्टमर हो रहा है, तो जो पॉलिसी जो इनकी इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ये वही करेंगे, अपने मतलब से आपके कस्टमर का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं, कोऑर्डिनेशन पूरा करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ कि बॉस मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया 22 फरवरी को। अब 22 फरवरी को मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने रोशन निशान ने फ़ोन किया, बोला सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा जो इंश्योरेंस है वो बाहर से मैंने लिया हुआ है। बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हम करवा देंगे आपका। मतलब सर कैशलेस? बोला नहीं कैशलेस नहीं होगा, पहले आपको पैसा देना पड़ेगा, लेकिन अप्रूवल वगैरह क्लेम का सारा हम करेंगे, आपको कहीं कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं इंश्योरेंस कंपनी से, आपको रिइंबर्समेंट कराना पड़ेगा, हम आपको बिल बना के दे देंगे, आप हमें पेमेंट कर दीजिएगा और फिर आप जो सर्वेयर है उसको वो इनवॉइस दे दीजिएगा, तो 15 दिन में आपको पैसा आपके खाते में आ जाएगा। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि गलती मेरी है, मैंने आपकी जो शोरूम से, और ये मेरा कैशलेस गैराज नहीं है, यूनाइटेड इंडिया की मेरी पॉलिसी है दोस्तों, और मैंने पॉलिसी बाजार से ली थी, तो इस वजह से ये गवर्नमेंट कंपनी में इनका कैशलेस नहीं है, रोशन के साथ मेरा कोई टाई अप नहीं है यूनाइटेड इंडिया का, तो मेरे को रिइंबर्समेंट पे जाना पड़ा। मतलब कोई बात नहीं, मैं कैश पैसा दे दूंगा आपको या जो भी है ट्रांसफ़र कर दूंगा, उसके बाद में आप मेरे को रिइंबर्स करवा देना। अब दोस्तों चूँकि देखिए मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता 22 फरवरी को, इनको 4-5 दिन में इन्होंने गाड़ी रेडी करके दे दी थी, और ये फिर कुछ इश्यूज़ आए थे गाड़ी की रिपेयर को लेके, तो मैंने उनको बोला कि यार मेरे को ये सही करके दो। फिर देखिए फाइनली इन्होंने 15 दिन लगाए पूरे गाड़ी को, और फिर उसके बाद में मैंने इनको पेमेंट किया 6 मार्च को, शायद होली का दिन था, उस दिन मैं गाड़ी लेके आया इनसे, ठीक है, और फिर मैंने इनको जो इनवॉइस थी वो मैंने इनके सर्वेयर को भेज दी। कहानी शुरू होती अब देखिए क्या हुआ कि मेरा जो रिइंबर्समेंट था वो आया तकरीबन 20 दिन के बाद में, यानी कि 25 मार्च को मेरा इनको मेरा जो पैसा था वो अप्रूवल हुआ। टोटल मेरा जो बिल था 34,500 के करीब था, और जो मेरा इन्होंने अप्रूवल जो दिया 25,800। अब बड़े के टोटल 9,200 का इन्होंने जो मेरा जो पैसा था वो काट लिया। अब भाई मैंने इनसे पूछा यार ऐसा क्यों किया, तो कोई जवाब नहीं। मैंने इनको मेल डाली तो मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं। मैंने शोरूम पे पूछा तो सर हम तो यही कर सकते हैं, हमने देखो आपको पूरा बिल बना के दे दिया, अब इनको आप इंश्योरेंस कंपनी जाने और आप जाना। मैंने चलो ठीक है यार कोई बात नहीं। फिर मैंने इनको मेल डाली तो ये इन्होंने मुझे पूरी जो सर्वेयर की रिपोर्ट थी वो मुझे भेजी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है मैं आपको इस वीडियो में दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट उनके। अब मेरे को सर्वेयर ने जो रिपोर्ट सर्वेयर की जो रिपोर्ट आई उसमें GST बोला GST नहीं देते साहब, आप कस्टमर के नाम से अगर बिल बनेगा तो आपको GST नहीं मिलेगी। मैंने बोला ये क्या बात हुई, अगर आपको GST नहीं देना तो यार मेरे को सामने मैंने तो GST पे किया है, और कंपनी के जब आपके यूनाइटेड इंडिया के नाम से मेरी गाड़ी की पॉलिसी है तो आपको GST देने में क्या दिक्कत है। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि कस्टमर की गाड़ी भी आप अपने नाम से करवा लो, अगर आपको GST नहीं देना, अगर आपके नाम से गाड़ी होगी तभी आपको GST भर पाओगे उसका। बोले यार ये तो कोई नियम नहीं होता, और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो GST के साथ में रिइंबर्समेंट करती है। बोले नहीं साहब हम तो नहीं करते, सर्वेयर ने भी मुझे कहा, और कंपनी की जो मेरी मेल पे ID थी बोले उन्होंने भी मेल पे मुझे लिखित में दिया कि हम GST आपको पे नहीं करेंगे, अगर आपके नाम से कोई GST फर्म है तो आप GST मुझे दे दो, दोबारा से सर्वेयर की रिपोर्ट आई। बोले यार ये क्या बात हुई, मतलब मैं बिजनेस ओन करूँ आपके लिए, आपकी GST क्लेम करने के लिए मैं बिजनेसमैन होना चाहिए। बोले ये तो कहीं तुक वाली बात ही नहीं है। फिर भी इन्होंने कहा चलो आप अपने निशान वालों से कह दीजिए कि आपके नाम से वो इनवॉइस कैंसिल करके हमारे नाम से बनवा दे। मैं बोला चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ। मैंने निशान में मेल डाला रोशन, तो उन्होंने मुझे कहा सर हम करवा देंगे, चलिए ठीक है, लेकिन वो फाइनली उन्होंने मना कर दिया कि सर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप अगर पैसा देंगे तो आपके नाम से इनवॉइस बनेगी, हम कंपनी के नाम से इंश्योरेंस वो जो है आपकी इनवॉइस नहीं बनाएंगे। ये केवल कैशलेस जो गैराज की सुविधा होती है तभी बनता है, क्योंकि कैशलेस में क्या होता है टाई अप होता है, तो ये क्या इनवॉइस डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के नाम से बना देते हैं, और ये तभी आपको डायरेक्टली इनके खाते में पैसा आता है, और आपसे जो भी वो 1-2 हज़ार रुपये जो इनकी इनिशियल फीस होती है वो लेके और आपको गाड़ी ये रिपेयर करके दे देते हैं। तो साहब मैंने बोला यार ये मैंने इनको फिर मैंने इनको मेल लिखा कि भाई अगर ऐसा कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GST से रिलेटेड कोई रूल है तो आप मुझे उसका हवाला दीजिए और मुझे बताइए कि ऐसा इसलिए होता है, इसलिए आप GST पे हम नहीं करेंगे। तो भाई इस पर भी कोई रिप्लाई नहीं। फिर देखिए मैंने इनको जो गवर्नमेंट का एक ग्रेवियंस पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें आप जो भी इश्यूज़ हैं आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड, आप उस पर जाके इशू अपना रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इनको इशू ये सारा जो हुआ था वो उसी ग्रेवियंस पोर्टल पे जाने के बाद में इन्होंने रिस्पॉन्स किया था, अदरवाइज तो क्योंकि इनका कस्टमर केयर तो बर्बाद है। पॉलिसी बाजार वाले तो बोल मतलब अपनी रामायण मतलब आपकी रामायण लिखते हैं और वो उधर सामने फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता।
और इन यूनाइटेड इंडिया जो गवर्नमेंट जितनी भी कंपनी यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडिया, ये सारे इनके कस्टमर केयर का भी काम ही नहीं करता, कोई भी इनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जो आप डायरेक्टली उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकें। तो सबसे वर्स्ट कंपनी है ये इंश्योरेंस की, आपको कभी भी देख के ही इनसे इंश्योरेंस कीजिएगा। आप मैंने तौबा कर ली है कि मैं इन पॉलिसी बाजार से और इन गवर्नमेंट कंपनियों से कभी भी इंश्योरेंस नहीं कराऊंगा। जो आपकी कंपनी का जो टाई अप है जिस कंपनी से, उसी के साथ में आप जो इंश्योरेंस है वो अपनी गाड़ियाँ करवाई, चाहे 2,000-5,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े, आप ये सारी माथापोड़ी से बच जाएंगे। मेरे से गलती हो गई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गलती आप ना करें, ठीक है। तो अब इन लोगों ने क्या किया कि आप बोले, मैंने ग्रेवियंस पोर्टल पर डाला सारा, मैंने बताया उसमें इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई इशू हो तो इंश्योरेंस का बाकायदा एक कैटेगरी है, वहाँ पर आप इंश्योरेंस कंपनी सेलेक्ट कीजिए, अपनी ग्रेवियंस डालिए। और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी के जो कॉल सेंटर है इनके डिपार्टमेंट का जो भी होता है उसको ये ईमेल फॉरवर्ड करते हैं। अभी इसी ईमेल पे उन्होंने रिप्लाई किया मुझे, बाकी ना पॉलिसी बाजार की मेल पे रिप्लाई कर रहे थे, ना मेरे डायरेक्ट कोई कॉन्टैक्ट कर रहे थे किसी भी तरह से नहीं। जब ये ग्रेवियंस डाली है ऑनलाइन गवर्नमेंट जो राजस्थान सॉरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पोर्टल है, मैं इसका लिंक भी आपको बता दूंगा, वहाँ से मेरे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा कि अगर आपको भी कोई इशू होता है तो आप डायरेक्टली ग्रेवियंस पोर्टल पे डाल सकते हैं। ये सारी रामायण तो ग्रेवियंस पोर्टल के पोर्टल पे जाके इन्होंने किया और उस पर उन्होंने क्लोज कर दी रिक्वेस्ट को, बोले साहब हमने तो कस्टमर कह दिया कि वो जीएसटी की इनवॉइस हमको प्रोवाइड करा दे तो हम इसको जीएसटी दे देंगे। अब भाई ग्रेवियंस को, अब फिर मेरे पास में आया उस पर ग्रेवियंस का, भाई आपकी ग्रेवियंस जो है वो क्लोज हो चुकी है अपने इंश्योरर के एंड से, अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं तो इसको जोनल हेड से के पास में जा इसको रेज कर सकते हो। तो मैंने जोनल हेड पे भी इस पर आगे इसको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया, फिर भी जोनल हेड को भी उन्होंने यही बोल दिया कि भाई ये हम नहीं कर सकते, रिक्वेस्ट क्लोज। बोला यार ये तगड़ी बात है। अब फिर मैंने वापस डाल दिया इसमें एक और, मैंने रिक्वेस्ट ग्रेवियंस डाला उसमें, उसने क्लोज कर दी, कोई बात नहीं गवर्नमेंट का पोर्टल है मैं तो 100 डालूंगा जब तक आप मुझे रिप्लाई नहीं करोगे। मैंने वापस से ग्रेवियंस डाल दी, मतलब जीएसटी का अगर ऐसा कहीं पे आपका लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर रूल है संविधान में या कहीं पे भी कोई जीएसटी गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट से कोई भी एक सर्कुलर है ऐसा कि जीएसटी कस्टमर के नाम से अगर इनवॉइस है तो उसको पे नहीं की जाएगी तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं शांत बैठ जाऊँगा, मैं मान लूंगा कि हाँ ये सच में ऐसा रूल है। ये सारे क्या है, इंश्योरेंस कंपनी की टैक्टिस है अपना क्लेम बचाने के लिए। दोस्तों बहुत सारे इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें डाल के रखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में कि कस्टमर को तो बेवकूफ़ बनाने के पास में, इनके बेवकूफ़ बनाने के लिए इनके पास 100 सौदे होते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, आपको इन्फॉर्मेशन जो होती है, मैं आपको इसीलिए इन्फॉर्मेशन देता हूँ ऐसी ऐसी ताकि आप भी जागरूक हों। अगर आपका भी ऐसा कोई लफड़ा हो गया है तो आप ग्रेवियंस पोर्टल पे, और दोस्तों मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये जो ग्रेवियंस पोर्टल है वाकई में काम करता है। मैंने 2-3 बार इसको ट्राई किया है। जब मेरा स्टेयरिंग का जो इशू हुआ था, मैंने आपको बताया था, वो स्टेयरिंग का इशू भी गवर्नमेंट पोर्टल्स पे ही हुआ था, वो अलग एक पोर्टल है, वो उसके रिलेटेड मैंने डेडिकेटेड वीडियोज़ बना रखे हैं, अगर आप जाके देखना चाहते हो तो वो भी चेक कर सकते हैं। गाड़ी के अगर मैन्युफैक्चरिंग भी कोई डिफेक्ट है आपके, इन्होंने मुझे मना किया था कि ये गाड़ी में स्टेयरिंग चेंज नहीं होगा, आपका कोई इशू नहीं है, ये हम कुछ नहीं कर सकते, तब मैंने वहाँ इशू रेज किया था और ये मेरा स्टेयरिंग इन्होंने चेंज करके दिया था। 32,000 की इसकी कॉस्ट थी और इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे वारंटी में कवर करके दिया था। तो उस गवर्नमेंट पोर्टल से मैंने अब फिर ये जो रिक्वेस्ट थी दोबारा डाली, ठीक है 10-15 दिन हो गए, 10-15 दिन बाद में अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। परसों मेरे पास में इनका मेल आया है कि आपके इस फलाने रिक्वेस्ट नंबर से आपने जो हमें ग्रेवियंस डाली थी, आपका हम जो जीएसटी अमाउंट है वो हम आपको रिम्बर्स कर रहे हैं 6,197 रुपये का। मेरे पास मैसेज आया है, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा उसका, इंश्योरेंस कंपनी से आया है। इसके अलावा इसका मेल भी आया है इनका कि भाई हम आपका जीएसटी जो है वो रिम्बर्स कर रहे हैं। तो टोटल जो है मेरा रिम्बर्समेंट अब तकरीबन 32,000 रुपये हो गया, 34 अब 2,500 रुपये इनका। देखिए फाइल चार्ज जो होता है वो 1,000 रुपये होना चाहिए वैसे तो 1,000 cc तक की गाड़ी पे। अब इनका गवर्नमेंट का पता नहीं भैया किस हिसाब से काट रहे हैं 2,500 रुपये, फिर भी इन्होंने मेरे काट लिए। चलो फिर भी कोई बात नहीं, जीएसटी इन्होंने मुझे दिया है, ये बहुत बड़ी जीत है कस्टमर की। अगर आप भी जागरूक हैं तो ऐसा बिल्कुल गवर्नमेंट का जो ग्रीवियंस पोर्टल है, ग्रीवियंस पोर्टल अगर आप डालेंगे तो गूगल पे तो आपके पास में वो वेबसाइट खुल जाएगी, नहीं तो मैं आपका लिंक भी डाल दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से देखिए, इंश्योरेंस कंपनियां हैं किसी की सगी नहीं इनको, जब तक आप पैसा दे रहे ना इनको तब तक ये आपके भगवान समझेंगी। और पॉलिसी बाजार की भी मैं आपको एक बार बता दूँ, पॉलिसी बाजार वाले भी इतने बेकार लोग हैं कि मतलब अगर आपने एक कोटेशन मांग लिया ना इनसे तो ये डेली आपको दिन में 10 बार फोन करेंगे, सर आप इंश्योरेंस का कोटेशन बनाया था, हम आपको ये पॉलिसी देते हैं, इतनी बढ़िया ये फीचर दिखाते हैं उसके, पूरा मतलब 1 घंटा आपका खा जाएंगे ये सब कुछ समझाने में, आपका 1-2 घंटे तक इनको कॉल करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप इनको कंप्लेंट करेंगे, आप जब अपनी जो इश्यूज हैं वो रेज करेंगे इनके, तो इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता, सर हमने वहाँ पे मेल भेज दिया वहाँ से रिस्पॉन्स आने, तो अपने आपसे आपको फ़ोन भी नहीं करते ये कि भाई आपके जो कंप्लेंट डाली थी, आपका जो रिक्वेस्ट डाली थी उसका ये स्टेटस है, आप थोड़ा दिन और शांति रखिए, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। इनको कोई मतलब नहीं है, इनको केवल और केवल सेल्स से मतलब है।
और ये कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी का ही फाइनल डिसीजन जो होता है वो इंश्योरेंस कंपनी का ही होता है, जो करना है उसी को करना है। तो दोस्तों मैं आपसे फिर कहता हूँ कि पॉलिसी बाजार पे हो सकता है आपको डिस्काउंट ज़्यादा मिले। एक इंश्योरेंस कंपनी का अगर आप उसके पोर्टल से इंश्योरेंस बनवाएंगे तो उसका हो सकता है प्रीमियम ज़्यादा हो, और सेम पॉलिसी सेम एडवांस के साथ में अगर आप पॉलिसी बाजार से बनवाएंगे तो हो सकता है उसका प्रीमियम कम हो। चूँकि ये पॉलिसी बाजार वाले क्या करते हैं, ये वेब एग्रीगेटर हैं और ये क्या करते हैं अपने बल्क में इनको पॉलिसीज बेचते हैं डेली की 500-1000 एक इंश्योरेंस कंपनी को, तो इनको कुछ डिस्काउंट दे देती है कंपनियाँ, तो इस वजह से थोड़ा सस्ता दे देते हैं आपको। तो ये सारा इनका खेल चलता है, ये केवल कमीशन खाने वाले बीच में हैं, वेब एग्रीगेटर हैं, इनका इंश्योरेंस से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है ये लोग, और केवल कस्टमर से पैसा लिया, कंपनी को दिया, अपना कमीशन रखा, इतना काम होता है इनका, ठीक है। हालांकि डेडिकेटेड रिसोर्स इन्होंने बिठाए रखते हैं हर कंपनी, एक पॉलिसी बाजार के नाम से इनका टीम अलग से होती है जो उस कंपनी की रिक्वेस्ट को कंसर्न को सुनते हैं, लेकिन फिर भी देखिए रिस्पॉन्स तो एंड ऑफ द डे इंश्योरेंस कंपनी को देना है। तो फिर भी आप अगर, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो यही है कि आप जब भी जो अगर गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है आपको तो आप हमेशा अपने डीलर से ही करवाएं, अगर वो 2-4 हज़ार रुपये ज़्यादा ले रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जब आपका कोई गाड़ी में इशू होता है तो वो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, और जब कैशलेस सुविधा होती है तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं है, सारा झमेला वो झेलते हैं, आपको केवल और केवल फाइल चार्ज देना है 1,000-1,500 रुपये और आपकी गाड़ी रिपेयर होकर आ जाती है। दोस्तों वो तो शुक्र है कि मेरी गाड़ी में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, अगर 1-2 लाख का अगर नुकसान हो गया होता तो मैं सोचे जेब से कैसे भर पाता था इसको, रिम्बर्समेंट के भरोसे तो मैं भर देता, और फिर ये लोग GST काट देते हैं, तो जब 5-7 हज़ार रुपये की GST की बात है, अगर ज़्यादा बिल होता तो वो ज़्यादा पैसा बढ़ जाता उसमें। तो दोस्तों ये सब चीज़ें देखिए बहुत ही मतलब आदमी का जो पीस ऑफ माइंड है वो ख़त्म कर देती हैं। गाड़ी आपने ली है अपने सहूलियत के लिए लिए, और इंश्योरेंस भी आप इसलिए करवाते हैं गाड़ी का ताकि आपको अगर कोई भविष्य में इशू होता है तो आप उससे जो है आप आशा करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि वो आपकी हेल्प करे, लेकिन ये लोग केवल और केवल प्रॉमिस बेचते हैं। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, वो तोड़ा भी जा सकता है दोस्तों। काफ़ी सारे ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी जब आप इंश्योरेंस लेते हैं, तो एडवांस भी आप काफ़ी सारे आते हैं। अब इसमें जीरो डेप्थ मैंने इंश्योरेंस लिया था, उसके बावजूद भी इन्होंने मतलब 8-10 हज़ार मेरे काट लिए, ये कह के कि GST पे नहीं करेंगे, इसके अलावा भी 2,500 रुपये इन्होंने अभी तक तो उसका कोई हिसाब नहीं है कि क्या काटें क्या नहीं काटें। 200 रुपये सालवेज की बता रहे हैं कि हमने काट ली, चलो कोई बात नहीं। सालवेज जो होता है, सालवेज का मतलब होता है कि जो भी आपकी गाड़ी का जो कचरा होता है, जो गाड़ी में डैमेज हुआ होता है, तो वो सालवेज के या तो आप उस सालवेज को ले लो या फिर उसको दे दो, तो वो अपना पैसा उसमें से काट के आपको दे देते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, मैं पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं रहा पॉलिसी बाजार से, मैं किसी को डिफेम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। दोस्तों मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, सारे मेरे पास सबूत रखे हुए हैं, सारी ईमेल्स मेरे पास जो ईमेल ट्रेल्स हैं वो सारी रखी हुई हैं, सारे स्क्रीनशॉट मैं इस वीडियो में लगाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि देखिए सारे इस तरह से फ्रॉड होती है इंश्योरेंस कंपनीज में। तो आप हमेशा जब भी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाएं काफ़ी समझें, अननेसेसरी के एडवांस ना लें, जो आपके काम के एडवांस हैं वही लें, अननेसेसरी का प्रीमियम पे ना करें, जो ज़रूरी है वही पे करें। किसी भी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन अगर आपकी पॉलिसी जब आप बनवा रहे हैं तो पॉलिसी में आ रहा, एक एक चीज़ को चेक करें, स्पेशली गाड़ी का नंबर, गाड़ी का चेसिस नंबर, गाड़ी का इंजन नंबर, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपकी इसमें नॉमिनी डिटेल्स, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने इसमें गलत, आप चेक कर लें अपनी गाड़ी की RC से और इंश्योरेंस पॉलिसी में मेंशन चीज़ों से, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी वाले अगर आपकी गाड़ी में इंजन नंबर भी एक नंबर भी गलत हो गया ना तो वो क्लेम को खारिज कर देंगे, क्योंकि इनको क्लेम खारिज करना होता है किसी भी तरीके से, इनको बहाना मिलना चाहिए और ये क्लेम को खारिज कर देते हैं दोस्तों। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा कि सारी चीज़ें अपने जो डिटेल्स हैं वो सारी एकदम एक्यूरेटली चेक कर लें पॉलिसी में, अगर कोई दिक्कत है उसमें तो उसमें तुरंत से एंडोर्समेंट करा लें, तो उसमें क्या होगा कि आपको भविष्य में अगर कोई क्लेम आता है तो आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। फिर भी परेशान तो ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा वो कम से कम परेशानी होगी अगर आपने ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही पॉलिसी बनवाई है तो। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन काफ़ी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये लॉन्ग टर्म में परेशान करती हैं गाड़ी का इंश्योरेंस। क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट होगा, हालांकि वो गलती सामने वाले की हो आपकी, लेकिन भुगतना तो आपको पड़ता है, दोनों को पड़ता है कभी कभी। तो इस वजह से आप हमेशा ध्यान रखिए, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को ऐसा लगता था इंश्योरेंस यार एक फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि अपन तो अच्छे से गाड़ी चलाते हैं, अपने गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है दोस्तों। आपके साथ अगर सामने वाला गलत है तो आपकी गाड़ी में नुकसान होगा, हो सकता है केस क्लेम वगैरह हो जाए तो सामने वाली इंश्योरेंस कंपनी पे करे, बट जब तक आपके आपकी खुद की भी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि आपको फर्दर कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि वो ट्रक से होता, वो ट्रक वाला भाग गया था तो मैंने इतना दिमाग लगाया नहीं, जो इंश्योरेंस था गाड़ी का, तो अपन ने गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम में दे दिया है, क्योंकि इसलिए अपन इंश्योरेंस करवाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, दो पैसे बचाने के लिए आप पीस ऑफ माइंड को सरदर्दी ना लीजिए,
और गाड़ी का जो इंश्योरेंस है बहुत सोच समझ के अच्छी कंपनियों से ही करवाइए। मैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देखिए किसका प्रीमियम अच्छा है, किसको फैसिलिटी ज़्यादा दे रहा है, कैशलेस भी देख लीजिए, बहुत सारी सुविधाएँ होती हैं गाड़ी की। आप उनका ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं कि इनका जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हैं हर एक कंपनी का, तो वो कितना है, यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा वो कंपनी क्लेम देने में दिक्कत नहीं करती है, तो वो क्लेम सेटलमेंट रेशियो देख चेक करके भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इन सब में आपका जो भी प्रीमियम कम प्रीमियम पे आपको अच्छे फीचर या ज़्यादा बेनिफिट दे रही है वो आप कंपनी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो इंश्योरेंस करवाएंगे वो शोरूम से ही करवाएं, पॉलिसी बाजार पे ना जाएं, और थर्ड पार्टी एग्रीगेटर जितने भी हैं ये इंश्योरेंस देखो या कार जो भी है ये सारी इन पे आप इंश्योरेंस ना करवाएं, दो पैसे बचाने के लिए, आपको बाद में परेशानी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, ये वीडियो मैंने आप लोगों की जागरूकता के लिए बनाया था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।